हो गया ना। अच्छा जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिरुद्ध सर टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग आज बात करेंगे जहां पे बात रोके थे। क्या था वो बात? तो वो बात था बस आर्किटेक्चर का 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड बस आर्किटेक्चर में स्टार्टिंग किए थे। अरे हो क्या रहा है? अरे ऐसा क्या हो रहा है जो ऐसे नहीं दिख रहा हमको? चलो चलो अब स्टार्ट किया जाए। हाँ खुश रहो बुआ। चलो आप लोग को पिछले क्लास में हमने बताया था कि 1969 ईस्वी में सबसे पहले इंटेल कंपनी के इंजीनियर टेड हॉफ जो थे, उन्होंने 16 बिट का बाइपोलर रैम चिप बनाया। फिर उसी साल 1969 ईस्वी में ही एक जापानीज कंपनी ब्यूजीकॉन एक प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटेल को। फिर 1971 ईस्वी में सबसे पहला 4 बिट वाला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 बनाया गया। फिर बात कर रहे थे हम कि 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना 8085 फिर बना, और 8085 जो है यानी कि इंटेल 8085 पहला कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कहलाया। क्या कहलाया बच्चा? कॉमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर, जो कि 8 बिट का प्रोसेस करता था। उसी समय हम बात कर रहे थे कि माइक्रो प्रोसेसर जो है उसका एक मेजर कंपोनेंट है जिसको हम लोग बस के नाम से जानते हैं, और बस ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग बार्स होता है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो बात है हेडिंग बस की, आज हम बस पहले समझाएंगे। फिर आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है भाई। तो जो क्लास मिस करोगे उसको आगे 2-3 क्लास में दिक्कत होगा। आज के क्लास को जिसने भी मिस किया उसको 2-3 क्लास दिक्कत होगा, जान लो। कैसा ये इश्क है, छपका इश्क है, ठीक है? तो हम बस के बारे में क्या बात कर रहे हैं? बस इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर, बस इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी कैरी, या थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेड, थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज कैरिड, जिससे इंफॉर्मेशन ढोया जाता, ठीक है? क्लियर है? माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट के बीच में वो ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा वही कहलाएगा बस। बस जनरली 3 तरह का होता है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ बस, देर आर 3 टाइप्स ऑफ बस, बस 3 तरह के होंगे। बस 3 तरह का होगा, कौन कौन? एक होगा
डेटा बस दूसरा होगा एड्रेस बस तीसरा होगा कंट्रोल बस। क्या क्या याद करोगे बाबू कौन कौन बस होगा एक डेटा बस होगा एड्रेस बस होगा कंट्रोल बस होगा। तीन तरह का बस हमारे माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। तो हम बस आर्किटेक्चर पे बात करेंगे पहली बात और समझेंगे कि डेटा बस हमारा बाय डायरेक्शनल होता है कंट्रोल बस हमारा बाय डायरेक्शनल होता है लेकिन ये जो एड्रेस बस है ये सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है। चलो इसको हम ऊपर कर लेते हैं हटाओ एड्रेस बस को ऊपर कर लो एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल ये यूनिडायरेक्शनल होता है बाकी डेटा बस और कंट्रोल बस दोनों बाय डायरेक्शनल होगा। तो कौन सा क्या करेगा इसको समझेंगे पहले हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं बस आर्किटेक्चर ऑफ प्रोसेसर हेडिंग दीजिए बस आर्किटेक्चर बस आर्किटेक्चर। चलिए अम्मा बाबा एड्रेस बस मान लीजिए ये है क्या मेरा एड्रेस बस लीजिए लीजिए मान लीजिए है डेटा बस इसी के बगल में आ गया अब कंट्रोल बस। क्या देखे एड्रेस बस डेटा बस कंट्रोल बस हम लिख रहे हैं मान लो ये है एड्रेस बस यह है डेटा बस यह है कंट्रोल बस। बस क्या होता है ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स होता है जिससे इंफॉर्मेशन कैरी करता है। याद रखना बस से इंफॉर्मेशन कैरी करता है एड्रेस बस के थ्रू एड्रेस का इंफॉर्मेशन कैरी होगा डेटा बस के थ्रू डेटा का इंफॉर्मेशन कैरी होगा कंट्रोल बस के थ्रू टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का इंफॉर्मेशन कैरी होगा। ठीक है अब देखो हम देखो बाबू मेरे में एक आदत है कि ऐसा नहीं है कि अभी हम तुमको आसान आसान पढ़ाएं यूट्यूब पे और बाद में भारी भारी लगे लगे हम तुमको डायरेक्ट सिलेबस का टॉपिक वाला स्टार्ट कर देते हैं ना जी। तो अब लेट नहीं करना जो भी बच्चा हो अब लगभग सब जो बच्चा एडमिशन ले चुके हो अब सबका एप्लीकेशन पे चढ़ गया कल रात तक। हाँ जो अब लोगे उसका आराम से अब चढ़ेगा ही चढ़े देगा एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन अब मेरा क्लास एप्लीकेशन पे ही होगा अब मेरा ज्यादा क्लास एप्लीकेशन पे ही होगा क्योंकि इतना दिन तो पढ़ा ही चुके हैं जान ही रहे हो कि कितना मास्टर पढ़ाता है कोई नया तो हम लोग आ रहा है नहीं तुम लोग भी जानते हो कि अनिरुद्ध सर क्या मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। कोई कोचिंग खराब नहीं होता है हम कभी इस चीज को नहीं माने हैं
लेकिन आपके लिए कौन कितना मेहनत करता है ये इंपॉर्टेंट बात है। और हम ये जानते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए दिन रात एक किए रहते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा का परफॉर्मेंस मेरे पास हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, बच्चा से मेहनत करवाते हैं, उसका छोटा से छोटा कमी पे उसको हम कहते हैं काम करो, उसके पीछे लग के हम भी काम करते हैं। ऐसे ही नहीं, हम अकेले वन मैन आर्मी की तरह पूरा जेई चला लेते हैं, बच्चा भी मेहनत करता है, सपोर्ट करता है और हम भी मेहनत करते हैं, तब जाके सक्सेसफुल रिजल्ट आता है। बात समझ रहे हो ना? मतलब बच्चा का भी मेहनत और मेरा भी मेहनत, दोनों का मेहनत एक साथ लगता है, तब जाके रिजल्ट फ्रूटफुल होता है। समझे? हम लोग का मेहनत तब फ्रूटफुल होता है जब पॉजिटिव रिजल्ट आता है, और ये तभी संभव हो पाता है जब दोनों प्रॉपर मेहनत करें, और उसको लिए कुछ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, और वही डिसिप्लिन है जिसको हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं। ठीक है? और तुम लोग जो बच्चा हमसे थर्ड में पढ़े हो वो गौर किए होगे, भले मेरे परिवार में या कहीं भी कोई भी कांड हुआ परिवार में एक्सपायर कर गया, लेकिन हम तुम लोग को ऐसा नहीं हुआ कि हम 5 दिन छुट्टी मार कर जाकर तुम लोग पढ़ाना बंद कर दिए। तो भाई हम पत्थर तो हो चुके हैं, हम जानते हैं अपने काम के प्रति हम बहुत डेडिकेटेड है, जो पढ़े हो पिछले बार देखे होगे कि हम ठंडा में पूरा तबियत खराब में भी पढ़ाए हैं, क्योंकि हमको मतलब होता है पढ़ाने से, सिलेबस समय से पहले अच्छा से खत्म करने से। क्या जी गलत बोल रहे हैं? अच्छा से खत्म करने से, ये नहीं कि उड़ा उड़ा के शॉर्टकट में जल्दी जल्दी जैसे तैसे। इस बार कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने का सोचे हैं, जो पहले ऑफलाइन में किया करते थे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बच्चा लोग के साथ, तुम लोग को करना होगा इस बार। इसीलिए सब जल्दी से जल्दी जुड़े रहो। और हाँ, जिसको लग रहा है कि अभी पैसा नहीं है, ये ऑफिस में बात करो, हमसे बात करो, लेकिन क्लास छूटने के बाद हम कोई को बकसते नहीं, मेरे पास इतना टाइम या औकात नहीं है कि जो नहीं पढ़े हुए है उसके पीछे बैठ के हम टाइम मगजमारी करें। हम उसके लिए मेहनत करते हैं, जो पढ़ रहा है नहीं सीख रहा है उसको हम 4 बार पढ़ाएंगे, लेकिन जो ऐश मौज कर रहा हो उसको, कितना अच्छा स्टूडेंट हो, हम उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं। बाद में चाहेगा कि हम रिकवर कर लेंगे, तो खुद से करो, हमारे पीछे मत पढ़ो। तो बस आर्किटेक्चर में हमने बताया कि 3 तरह का बस है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। क्लियर है? तो ये जो एड्रेस बस है वो सब कैसे कनेक्टेड होगा? सीपीयू से, मेमोरी से या आईओ डिवाइस से, ये हम देखेंगे। सीपीयू, मेमोरी या आईओ डिवाइस से कैसे हमारा बस कनेक्टेड होता है। तो देखो, आप लोग को याद होगा शायद, हम जब पढ़ा रहे थे माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन, तो गौर किए होंगे कि हम बार बार बोलते थे कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी या आईओ डिवाइस से, मेमोरी या आईओ डिवाइस से इंस्ट्रक्शन को लाता है, यानी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। तो ये इंफॉर्मेशन कहां से लाएगा, किस एड्रेस से लेगा और किस एड्रेस पे फिर वापस डेटा रखेगा, इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेस बस होता है जो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। यहां से बाहर की ओर जाएगा और कहां अंदर की ओर चला जाएगा? मेमोरी में अंदर की ओर चला जाएगा। मेमोरी में देखो अंदर की ओर, जो कि एड्रेस दिखलाएगा, ये एड्रेस बस है, मान लो ये सब पीला वाला एड्रेस बस है, सब कुछ करो। तो एड्रेस किधर का डायरेक्शन कैसे एड्रेस बस का? माइक्रो प्रोसेसर से बाहर की ओर जा रहा है और मेमोरी के अंदर की ओर जा रहा है। मतलब साफ है,
एक सीपीयू से एड्रेस बस गया, इधर एड्रेस बस सीपीयू से बाहर क्यों आया, और मेमोरी में इंटर किया। सीपीयू से गया एड्रेस बस से होते हुए एड्रेस मेमोरी में गया, वही आईओ डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस में बाय डायरेक्शनली कनेक्टेड होगा। मतलब इनपुट डिवाइस का भी एड्रेस होता है, आउटपुट डिवाइस का भी एड्रेस होता है। यहां पे बाय डायरेक्शनली कनेक्शन दिखाते हैं। हालांकि एड्रेस बस अपने आप में यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। फिर हमने आपको ऑलरेडी बताया कि डेटा बस जो होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा, चाहे वो सीपीयू से कनेक्टेड हो, मेमोरी से कनेक्टेड हो या आईओ डिवाइस से कनेक्टेड हो। ये जो हमारा डेटा बस है वो बच्चा बाय डायरेक्शनल होगा। डेटा बस क्या होगा हमारा, बाय डायरेक्शनल होगा, और कंट्रोल बस भी हमारा बाय डायरेक्शनल होगा। उसी तरह से कंट्रोल बस भी हमारा सीपीयू में भी बाय डायरेक्शनली कनेक्टेड होगा, मेमोरी से भी बाय डायरेक्शनली कनेक्टेड होगा, और आईओ डिवाइस से भी बाय डायरेक्शनली कनेक्टेड होगा। ये मेरा है जनरली आर्किटेक्ट बस आर्किटेक्चर इन प्रोसेसर। प्रोसेसर में बस आर्किटेक्चर इसी तरह का होता है भाई। इसी आर्किटेक्चर के तहत इंफॉर्मेशन एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आता जाता है। एड्रेस बस मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी बतलाता है और मेमोरी का रेंज बतलाता है कि प्रोसेसर किस रेंज से किस रेंज तक के मेमोरी के लिए सेट करेगा। देखे तुम्हारा मोबाइल 1 GB सपोर्ट करता है, किसी का मोबाइल 4 GB सपोर्ट करता है, किसी का मोबाइल 8 GB सपोर्ट करता है। तो जिस बंदे का मोबाइल 4 GB सपोर्ट कर रहा हो वो 16 GB वाला रैम लगा देगा तो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ एड्रेस बस ये डिफाइन करता है कि कहां से कहां तक का मेमोरी के लिए ये कैपेबल है। यानी कि एड्रेस बस हमारा ये फोटो बन गया होगा, एड्रेस बस हमारा जो है वो मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी और रेंज ऑफ मेमोरी बताता है। एड्रेस बस क्या बताता है, दो चीज, पहला मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी कि माइक्रो प्रोसेसर का मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी कितना है। ये होता है 2 to the power नंबर ऑफ एड्रेस लाइन या एड्रेस बस। बाइट्स में मतलब माइक्रो प्रोसेसर में कितना एड्रेस बस है उस एड्रेस बस है ना, उस एड्रेस बस के संख्या के आधार पे मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। स्लो इसलिए हम पढ़ाते हैं राजमंटू कि एग्जाम में 4 महीना टाइम रहता है और हम लोगों को पढ़ना ही काम रहता है।
सीखना बहुत जरूरी है। ये तो बढ़िया बात है कि हम तुम लोगों को बहुत टाइम देते हैं ताकि तुम लोग हर चीज को बारीकी से अच्छा से सीख सको। हड़बड़ में पढ़ाने के लिए तो हम एक दिन में ही सिलेबस खत्म कर सकते हैं। मेरा कैपेसिटी है बीटेक का भी पेपर एक दिन में खत्म करने का। मेरे लिए एक दिन में बीटेक का पेपर भी खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम्हारा तो बहुत छोटा सिलेबस होता, लेकिन ये रियल फैक्ट है कि आसान बनाने के लिए स्थिरता जरूरी है, सही तरीके से सीखने के लिए धीरे धीरे पढ़ना जरूरी है ताकि सीखते जाइए, ठीक है। हाँ, जय श्री राम। परसों से बउआ एप्लीकेशन पे ही सिर्फ क्लास लेंगे, कल लास्ट डे लेंगे हो सकता है, या तो कल से नहीं कल भर ले लेंगे एप्लीकेशन पे। परसों से हम सीधा एप्लीकेशन पे ही आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यूट्यूब बहुत हुआ, यूट्यूब पे हम ज्यादा क्लास नहीं लेंगे। मेरा क्लास जुड़ना है एप्लीकेशन पे आइए, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, है ना। डिसिप्लिन में रहिए, आगे बढ़ जाइएगा। तो हमने क्या बताया कि एड्रेस बस मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी बताता है, जो कि ये बताता है 2 to the power नंबर ऑफ एड्रेस बस इन बाइट। अगर किसी मेमोरी का किसी माइक्रो प्रोसेसर का नंबर ऑफ एड्रेस बस 10 हो, इफ नंबर ऑफ एड्रेस बस इज इक्वल टू 10, तो मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी क्या हो जाएगा। देन मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी कैसे निकालोगे, ये सब सीखते जाना है। मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी कैसे निकालोगे, 2 to the power 10 इन बाइट कितना हो जाएगा, 1 kilobyte हो जाएगा, 1 kilobyte होगा। ये रियल पैरामीटर है, हालांकि कुछ कुछ में चेंज भी होता है, लेकिन डायरेक्ट यही है। दूसरा है कि अगर हम नंबर ऑफ एड्रेस बस 16 को ले, इफ नंबर ऑफ एड्रेस बस इज इक्वल टू 16, देन मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी इज इक्वल टू 2 to the power 16 इन बाइट। इसको लिख सकते हो 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 10, और 2 to the power 6 को लिखोगे 64, और 2 to the power 10 बाइट को हम लोग लिखते हैं 1 kilobyte, कितना आ गया बाबू मेरे, इसका मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी आ गया 64 kilobyte। जब नंबर ऑफ एड्रेस बस किसी प्रोसेसर का 16 होगा तो मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी 64 KB होगा, मतलब 64 KB का मेमोरी लगेगा। कितना का मेमोरी लगेगा, 64 kilobyte का मेमोरी लगेगा, ठीक है। सब होगा, 5 के 5 सब्जेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, टेंशन नहीं लेना इलेक्ट्रॉनिक्स में। और 5 के 5 सब्जेक्ट में किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो, डायरेक्ट ऑफिस में फोन करके बोला नहीं, सर से बात करवाइए। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होता है तो हम थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी के लिए 3 पेपर लेते हैं, लेकिन बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं 100%। तो 5 के 5 पेपर होगा, कोई एक पेपर में भी इधर से उधर नहीं होगा, समझे। दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्लियर है। और हम लोग या हमारा मैनेजमेंट तुम ही लोग के बारे में अच्छा सोचता है, कोई खराब सोचते नहीं हम लोग, इसलिए घबराना नहीं है। इफ नंबर ऑफ एड्रेस बस इज 20, देखो कुछ बच्चा को लगता होगा कि हम स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन क्या मेरा सिलेबस खत्म होता है ना,
और हम खत्म कर देते हैं ना एक एक टॉपिक, ऐसा नहीं ना है कि हम तीन गो टॉपिक यहाँ छोड़ दिए हैं, चार टॉपिक यहाँ छोड़ दिए हैं, लास्ट में नोट्स दे दिए हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं जिंदगी में, हम कभी किसी बैच में ऐसा नहीं किए हैं। नहीं ये गलत बात है, मेरा कॉपी पे डिफिनेशन एक एक पॉइंट लिखा हुआ रहता है, कोई भी बच्चा अगर बोलता है कि डिफिनेशन नहीं लिखाते हैं तो उसको पता नहीं है, हम हर चीज का सिस्टमैटिकली लिखाते जाते हैं कॉपी, और स्लो पढ़ाते हैं ये हम मानते हैं, क्योंकि बच्चा कमजोर भी आता है, बच्चा स्ट्रांग जो रहता है उसको हम बोल देते हैं मेहनत करो और हमसे एक्स्ट्रा पूछो, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा स्लो जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि हर आदमी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो सके, जहां दिक्कत हो हमसे पूछ सके। हवाना क्या है जी, हवाना क्यों है? और रही बात डिफिनेशन की, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा सब्जेक्ट में डिफिनेशन नहीं लिखा हुआ होगा, ये गलत बात है, हम हर टॉपिक का डिफिनेशन लिखा लिखा कर पढ़ाते हैं, हम तो पीडीएफ और पीपीटी पर भी नहीं पढ़ाते हैं आज भी, हम तो आज भी एक एक चीज लिख लिख के पढ़ाते हैं, और मेरा पढ़ा हुआ बच्चा का 750 में अच्छा से अच्छा नंबर आया है, 750 में मेरा पढ़ा हुआ बच्चा का 656 नंबर, 660 नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक्स में पहुंचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 660 नंबर तक हमारा स्टूडेंट को आया हुआ है, कहां हो, वो भी जनरली, और एक दो बच्चा को नहीं आया है, अक्सर आता है सेमेस्टर में, तो इसीलिए कोई बड़ी बात नहीं है, इस सब अफवाह पे मत रहो। हाँ हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, एक बात बोलते हैं कि तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, अगर हम जान भी देंगे ना तो लोग बोलेगा सर आप ब्लेड से काटे हैं, धीरे धीरे काटे हैं, आप एकदम एक बार हसुआ से मार दिए थे अपन जान, तो शिकायत करने वाला का कमी नहीं है मार्केट में, उसको खुद समझना होगा कि हम अपने आप को कैसे बेहतर करें, अगर कमी है तो उस पे काम करना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए, और नहीं तो कमी हमेशा रह जाएगा उसका। हम मिनिमम तीन सब्जेक्ट लेते हैं, तीन सब्जेक्ट लिए हैं हम, तीन सब्जेक्ट लेंगे बउआ अंकित, चलो अब 20 एड्रेस बस देखो, नंबर ऑफ एड्रेस बस अगर 20 है तो मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी बताओ, मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी निकालोगे, 2 to the power 20 इनवाइट्स होगा, 2 to the power 10 इंटू 2 to the power 10 बाइट्स लिखोगे, 2 to the power 10 इंटू किलो बाइट, 1 kilobyte, इसको 1 kilobyte लिख सकते हैं, 2 to the power 10 इन केबी हो गया आप, और 2 to the power 10 केबी को 1 MB लिखते हैं, तो अगर 20 एड्रेस बस वाला माइक्रो प्रोसेसर होगा तो उसमें 1 MB का मेमोरी लगेगा, 1 MB का मेमोरी लगेगा, यह है मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी। है ना, ECN है ये नहीं है इस बार, है ना, मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी हो गया। अब आगे पढ़ाई करो चुपचाप, पहले अब खाली सवाल नहीं, सवाल के लिए हम 10 मिनट लास्ट में टाइम देंगे, पहले यहां पर समझो, मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी निकाल लिए, मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी सबसे निकलेगा, हाँ या ना हमें बताओ, मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी तुम लोग सब निकाल सकते हो। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे आते हैं, इसीएन नहीं है बाबू फोर्थ सेमेस्टर में, आगे देखो अगला टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, तुम लोग को ऑलरेडी बोल चुके हैं जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक में दिक्कत होता है हमसे पूछ लो, इंतजार नहीं करो कि हमको 2 दिन बाद पूछेंगे, 5 दिन बाद पूछेंगे, जब भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, वो मेरा पेपर हो ना हो तुम पूछ सकते हो हमसे, मेरा पेपर नहीं भी होगा तब भी हम बताएंगे, क्योंकि हमारा पेपर अभी इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हम लोड नहीं लेना चाहते, और सर को भी अच्छे पढ़ाते हैं, हम दूसरे सर को भी दे करते हैं पढ़ाइए सर,
ऐसा नहीं है कि वो पेपर हमको नहीं आता है, सब अपने आप में अच्छे टीचर हैं, इसीलिए और लोग भी पढ़ाते हैं। लेकिन ऑलरेडी हम आप लोग को बोल चुके हैं, इसलिए एक बात बार बार मत करो, ठीक है। चलो आगे देखो, तो एड्रेस बस हो गया। एड्रेस बस का दूसरा काम होता है मेमोरी का रेंज डिसाइड करना, मेमोरी रेंज निकालना। कैसे निकलता है मेमोरी का रेंज, ये देखिएगा। हम मान लिए थे कि एड्रेस बस 10 बिट का था, यानी कि 10 बिट था, 10 बिट का था, यानी कि नंबर ऑफ एड्रेस अगर 10 है तो इसका रेंज कहां से कहां होगा। इतना तो जान गए कि 1 KB का मेमोरी है, ये तो पहले निकालना सीख गए हो ना कि 1 KB का मेमोरी आया, कितने का आया था, 1 KB का। लेकिन ये 1 KB में मेमोरी का जो स्लॉट है, हर स्लॉट का एड्रेस कहां से कहां तक होगा, ये भी हमको एड्रेस बस बताता है, है ना। क्या बताता है, 10 गो है तो भाई 10 गो जीरो लिखोगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब चार चार गो का ग्रुप बनाओगे, हेक्साडेसिमल में एड्रेस लिखा रहता है, 4, 4 और ये भी 4, ठीक है। जो 2 गो बच गया तो 2 गो जीरो लगा दो पीछे में, तो इसको क्या लिख सकते हो, 0, 0 और इसके लिए भी 0, यानी कि 0, 0, 0 in H क्या आ जाएगा इसका रेंज, 0, 0 H से लेकर के इसमें क्या लिखाएगा लास्ट में, 1, मतलब यहां पे लिखोगे कितना, 1, 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
एफ एफ थ्री, तो थ्री एफ एफ एच हो जाएगा इसका रेंज। रेंज कहां से कहां होगा मेमोरी का, जीरो जीरो एच से थ्री एफ एफ एच तक का मेमोरी रेंज होता है। रेंज निकालना सीखे, रेंज निकालना सीखे, जीरो जीरो एच से थ्री एफ एफ एच तक होगा मेमोरी का रेंज। ये जो एक किलोबाइट का जो मेमोरी है उसका रेंज कहां से कहां है, एड्रेस का रेंज, एड्रेस कहां से कहां है, तो एड्रेस है जीरो 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 एच से लेकर के थ्री एफ 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 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप 250 एच लिख दें, हो सकता है लिख दें, हो सकता है लिख दें टू एफ फोर एच, ये सब इसके बीच में आ रहा है ना, कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकता है। क्लियर है? वही अगर हम एड्रेस बस 16 बिट का ले रहे थे, मतलब 16 गो नंबर ऑफ एड्रेस बस ले रहे थे, तो देखे थे कि 64 केबी का मेमोरी हुआ था, कितना का हुआ था 64 केबी का। अब मेमोरी का रेंज कैसे होगा, तो भाई वही कहानी है, 16 गो 16 बिट का रहा है मतलब 16 जीरो होगा यहाँ पे, सोलह जीरो से लेकर के 16 वन तक होगा, है ना, 16 वन तक होगा। अब ये जीरो 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 एच होगा, जीरो 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 एच होगा, और एफ 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 चार चौथे बारह को बना है, ये 16 हो गया। अब एफ 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 हेक्साडेसिमल में इसको कन्वर्ट करने आता है ना जी, तो यहां क्या रेंज हो जाएगा बाबू मेरे, एफ 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 एच तक हो जाएगा, एफ 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 एच तक होगा। बात समझ आया, मतलब जीरो 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 एच से लेकर के एफ एफ एच तक मेमोरी का रेंज होगा। बात समझ रहे हो ना, हो सकता है बीच में कहीं पे 2000 हो सकता है कहीं पे 3500 हो, मतलब जीरो जीरो एच से लेकर के एफ एफ एच तक
कुछ भी हो सकता है भाई। एड्रेस बस क्या बताया हमको, मेमोरी एड्रेसेबल कैपेसिटी और मेमोरी का रेंज। बात समझ में आ गया सबको? चलो समझ में आ गया होगा। अब देखो डेटा बस क्या बताता है, अब देखो डेटा बस क्या बताता है। इसको लिखने के लिए हम टाइम अभी नहीं दे रहे हैं, लिखना बाद में, बहुत बात हो चुका है लंबा, तो इसलिए इसको खत्म भी करना है टॉपिक को अभी। डेटा बस ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग बाय विच कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा बस। ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग बार विच कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा बस। ऐसा कंडक्टिंग बार जो इंफॉर्मेशन कैरी करता है डेटा के रूप में वो डेटा बस कहलाता है। ये बतलाता है, इट टेल्स द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ माइक्रोप्रोसेसर और वर्ड लेंथ ऑफ सिस्टम सिस्टम का वर्ड लेंथ को ये बताएगा। वर्ड लेंथ मतलब ये बतलाता है कि पैरेलली एट ए टाइम माइक्रोप्रोसेसर कितने बिट का प्रोसेस करेगा, यानी कि थ्रूपुट उसका कितना होगा। हम पिछले क्लास में थ्रूपुट वगैरह बताए थे कि अगर मेरा माइक्रोप्रोसेसर का डेटा बस 8 बिट का हो, 8 बिट्स का है, तो ये क्या बताता है कि माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस 8 बिट डेटा एट ए टाइम माइक्रोप्रोसेसर प्रोसेस करेगा 8 बिट डेटा का एक साथ 8 बिट डेटा का प्रोसेस माइक्रोप्रोसेसर करेगा। क्या हुआ अकरब, दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत? राजमंटू अपना समझदारी से करो, तुम इतना सोचो कि जो बंदा तुमको धीरे पर आ रहा है यानी कि तुमको टाइम दे रहा है, और टाइम अगर हम तुमको कम देंगे तो हम दूसरा जगह से भी पैसा कमा सकते हैं, ना, लेकिन हम पैसा के पीछे नहीं भाग करके तुमको जब हम टाइम दे रहे हैं तो तुम्हारे लिए फायदा ना है जी। अगर कोई टीचर तुमको सिलेबस से ज्यादा पढ़ा रहा है या तुमको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है तो तुम्हारे लिए तो बेनिफिशियल है ना, इस चीज को समझना। प्रेस नहीं दिख रहा है, रिफ्रेश करो। डेटा बस अगर 16 बिट का है तो माइक्रो प्रोसेसर ये क्या बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस 16 बिट डेटा एट ए टाइम, माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट डेटा को एट ए टाइम प्रोसेस करता है। 16 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस करने का काम किसका होगा? माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट वाले का, क्योंकि ये जो डेटा बस है वो क्या बता रहा है कि प्रोसेसिंग एट ए टाइम। तो एड्रेस बस और डेटा बस क्लियर हो गया एड्रेस बस और डेटा बस। बोलो आगे बढ़े। हो गया होगा अब तक? कंट्रोल बस में आते हैं, कंट्रोल बस
देखो अतरा लिखना बउआ तुमको पीडीएफ दिलवा देंगे हम, ठीक है, तुम लोगों को तुरंत हम पीडीएफ दिलवा देंगे, लिख लेना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम का देखते हुए चलना हम लोगों को, अगला सब्जेक्ट भी लेना है ना। इस सब अफवाहों में मत रहो, अपने दोस्तों को भी बता दो कि क्लास चालू हो चुका है, अफवाहों में मत फंसो। हमको याद है कि एक तीन लड़का कमजोर कमजोर मेरे पास पढ़ने आया आज से करीब 9 साल पहले, बोला सर आप मारते बड़ी हैं, मारिएगा नहीं ना प्लीज, हम बड़ी कमजोर हैं, हमको सीखना है। हम कह मारेंगे कहने की कोई कंडीशन थोड़ा ना कि नहीं मारेंगे, बोला नहीं सर हम बड़ी कमजोर है सर, हम धीरे धीरे ना सीखेंगे। और जानते हो उस तीन के तीनों लड़का सरकारी जॉब कर रहा है, तीनों इतना कमजोर था कि उसको हम मारे ही नहीं, इतना बोला कि सर प्लीज हमको नहीं मारिएगा हम बहुत कमजोर हैं, तभी वो हमसे फुकाया। हम शुरू में एक दो महीना उसको नहीं मारे लेकिन फिर भी मारे ही, लेकिन वो बेचारा मार भी खाता था लेकिन ये बोलता था कि सर हमको डर बड़ी लगता है आपसे। लेकिन आज के दिन में वो लड़का बोलता है कि सर हमको नहीं लगता था कि इतना आसान है इंजीनियरिंग, क्योंकि वो मेहनती था, वो कमजोर इसलिए रह गया था ना क्योंकि उसको जल्दी जल्दी पढ़ा के सब तेज तेज बच्चा को निकाल दिया लोग, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब उस पर ध्यान दिया जाता तो जैसे पहले अब मेरे पर आने पर नौकरी लिया, हो सकता है कोई और भी पाते तो नौकरी ले लेता, लड़का में दम तो था ही ना, कमजोर होना गुनाह नहीं है, लेकिन जो मेहनत नहीं करता वो पाप कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट अच्छा भी क्यों ना हो, जो चाहता है रिकॉर्डिंग फटाफट भगा के देखे वो सब अपने आप पे जुल्म कर रहा है। क्योंकि आने वाले दौर में जब कंपिटेटिव हो जाओगे तो 22 को पेपर तुमको ब्रांच का पढ़ना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश अलग से पढ़ना होगा, औकात पता चल जाएगा जब टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों मिला के सवाल पूछेगा तब। इसीलिए अभी से टाइम देने का आदत डालो पढ़ाई पे, कंट्रोल बस देखो बाबू क्या है। तो ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल, जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का इंफॉर्मेशन को कैरी करता है वो कहलाता है कंट्रोल बस। क्या कहता है? कंट्रोल बस। क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर विच कैरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल है ना, ग्रुप ऑफ कनेक्टिंग वायर विच कैरी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल इज कॉल्ड कंट्रोल बस, कॉल्ड कंट्रोल बस, इसको हम लोग कंट्रोल बस कहते हैं। क्या? हाँ तुम जानता है उसके बारे में है ना, तुम कैसे जानता है रे? तो पढ़ने वाला बच्चा मेहनत करता है, बहाना नहीं करता है, पढ़ने वाला बच्चा मेहनत करेगा बहाना नहीं करेगा, बहाना करने वाला बच्चा जिंदगी भर बहाना करेगा। इसको लिखो है ना, इसको लिख लो। वो सब बच्चा जो है ना मेरे लिए एग्जाम्पल है, जो अब अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि वो भी एगो था स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट तो नौकरी ले लेता है, वो तो कॉमन बात है, उसमें हम अपना ज्यादा क्रेडिट क्या लें, वो तो मेहनती होता ही है, वो तो पढ़े करता है तो नौकरी ले बे कर लेगा, वो तो हम भी थोड़ा सा गाइड करते हैं वो भी पढ़ते रहता है नौकरी ले ही लेता है, मतलब एग्जाम्पल तो वो बच्चा है ना जी।
जिसको इंग्लिश ढंग से रीड नहीं करने आता था, आज बढ़िया बढ़िया नौकरी रिजल्ट दिया, दो तीन को, एक को नहीं दो को तीन को रिजल्ट दे दिया, कितना मेहनत किया होगा सोचो, मेहनत किया होगा ना। हम लोग अपने आप को अच्छा समझते रहता है, मेहनत नहीं करता, हम बढ़िया है, हम बढ़िया है, हम तेज, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, पढ़वे नहीं करेगा। तो कमी पे काम करना बहुत जरूरी है जिंदगी में, कोई परफेक्ट नहीं है, कमी पे काम हर को करना है, चाहे तुम हो चाहे हम है, हम सबको अपने अपने कमी पे काम करते रहना चाहिए। देखो पिछले बार ऑब्जेक्टिव देखे तुम लोग नहीं बनाते हो ज्यादा, भागते थे कॉलेज, इस बार वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, इस बार ऑब्जेक्टिव जबरदस्ती बनवाएंगे। ईडीसी का ऑब्जेक्टिव कुछ बच्चों का कमजोर गया, लेकिन बताओ दोबारा डिजिटल जब हम पढ़ाते एक एक ऑब्जेक्टिव आसान लगा ना जी, रात में हम डिजिटल का लिए थे ना क्लास, ऑब्जेक्टिव का खाली पूरा किताबें बनवाए थे, हाँ सर कंट्रोल बस जो होता है ना बाबू, कुछ किताब में लिखता है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप सर्किट पे एनालिसिस कीजिएगा और कुछ किताब में भी पढ़िएगा, ये डायरेक्शनल होता है, बहुत सा किताब में लिखा हुआ है कि कंट्रोल बस डायरेक्शनल भी होता है, कुछ किताब में लिखा हुआ है कंट्रोल बस यूनिडायरेक्शनल भी होता है, ये कंट्राडिक्टरी है, लेकिन ये एक्चुअली होता है बायडायरेक्शनल है। क्यों होता है बायडायरेक्शनल? क्योंकि ये मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, मेमोरी रीड मेमोरी राइट जैसा सिग्नल जनरेट कर सकता है, मेमोरी रीड भी जनरेट करेगा, मेमोरी राइट के लिए भी सिग्नल जनरेट करेगा, आईओ रीड के लिए भी करेगा, आईओ राइट के लिए भी जो सिग्नल जनरेट होगा वो भी इस बस के थ्रू जाएगा। तो रीड और राइट होता क्या है, रीड राइट क्या होता है समझेंगे, माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी, मेमोरी से कोई अगर इंफॉर्मेशन माइक्रो प्रोसेसर में आया तो वो रीड ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, रीड ऑपरेशन हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ बाबू, सुनो क्या देखे कि मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में आया तो इस तरफ आया, रीड ऑपरेशन हुआ, लेकिन अगर माइक्रो प्रोसेसर से कोई डेटा अगर मेमोरी पे लगा डाल रहे हैं तो वो राइट ऑपरेशन कहलाता है। तो रीड और राइट दोनों तरह के सिग्नल को कैरी कर सकेगा जब कंट्रोल सिग्नल, तो ये कैसे होना चाहिए, इधर से इधर भी गया, मतलब इन भी हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, आउट भी हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर में, तो रीड राइट दोनों ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये बाई डायरेक्शनल होना चाहिए ना। चलिए तो बस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, बस क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए अगला टॉपिक होगा माइक्रो प्रोसेसर 8085 का पिन डायग्राम, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। होता क्या है देखो, 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमने बताया था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब इसमें डेटा बस, मतलब डेटा बस 8 बिट है, ये जो बता रहा है वो तो डेटा बस बता रहा है, और इसमें एड्रेस बस, ये 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ऑपरेट होता है, कितना पे, प्लस 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पे ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेट होगा, और इसमें ये 40 पिन का ड्यूल इन लाइन पैकेज आईसी है, डीआईपी मतलब ड्यूल इन लाइन पैकेज आईसी है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर 40 पिन का आईसी होता है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने पिन का आईसी होता है बच्चा, 40 पिन का आईसी होता है, बात समझ रहे हो, कितने पिन का, 40 पिन का ये एक आईसी है, कौन सा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब बात है ये 40 पिन कैसे, देखो जितना भी तरह का इन पिन होगा
वो सब के सब हम आपको याद करा देंगे, सब के सब आपको हम याद करा देंगे। कैसे? देखिए ट्रिक है, बहुत सारा ट्रिक है मेरे पास याद कराने का। आईओ मीन्स होता है प्रिंस इनपुट आउटपुट, आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट होता है। ये बच्चा हमको इसलिए भी अच्छा लगता है ना सब, कि हमेशा सवाल पूछता है, क्योंकि देखो ऐसा जब डिप्लोमा करने आओ या कोई भी पढ़ाई करने गए हो तो जरूरी नहीं है कि तुम हर चीज जानते हो। तो जो अगला बोल रहा है उसमें अगर कुछ चीज छूट गया है, नहीं तुमको पता चल पाया है, भूल रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो पूछने का आदत रखना बहुत अच्छा चीज है। इस चीज तुम सब में डेवलप करना चाहिए, इस चीज सबको प्रिंस से सीखो, ये गुण सब में रहना चाहिए कि जहां नहीं समझ में आ रहा हो जो टर्म, तुरंत एट ए टाइम लाइव में पूछो, इससे तुम्हारा प्रॉब्लम दूर होते जाएगा। ठीक है चलो। और 40 पिन है, पिन हमेशा ऐसे लिखोगे, देखो जब भी कोई सर्किट बनाओगे ये सर्किट बन जाएगा, यहाँ पर एक नोच बनाते हो आप, पिन यहां से गिनना स्टार्ट करते हो, एक दो ऐसे होते ऐसे होते, 40 पिन है तो 20वां पिन यहाँ होगा, फिर यहाँ 21 से पिन से स्टार्ट होगा, 22 होगा, यहाँ तक 40वां पिन होगा, एक से इस तरह से पिन काउंट होता है। इस तरह से पिन काउंट होगा, ठीक है ना। तो बात है बार मेरे एकदम क्लियर है कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेरा 40 पिन का आईसी होता है। कैसा आईसी था? ड्यूल इन लाइन पैकेज आईसी होता है। आईसी में हम बताएंगे कि डिफरेंट टाइप का आईसी होता है, सिंगल इन लाइन पैकेज, ड्यूल इन लाइन पैकेज, जिगजैग पैकेज, ये सब बताएंगे। इसमें पिन का नंबर के साथ हमको आईसी का पिन को याद रखना है, पिन नंबर के साथ पिन का नाम। सबसे पहले X1 X2 दो टो इनपुट क्लॉक इनपुट पिन है, हम याद पहले करना सिखाएंगे, उसके बाद सबका मतलब बताएंगे। पहले 40 पिन याद करना सीखो, आज याद करवाएंगे, 5 मिनट में याद हो जाएगा पिन 40 के 40। उसके बाद आपको अगला दिन पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या याद करना है। तो X1 X2 कपल थे, यानी कि बॉयफ हस्बैंड थे, जो घर से बाहर चले गए, रीसेट आउट हो गए। क्या याद रखोगे? X1 X2 रीसेट आउट होगा, X1 X2 दो मतलब एक कपल है, बॉयफ हस्बैंड है, जो घर से बाहर चले गए अपना अलग जगह रहने के लिए। ठीक है, X1 X2 रीसेट आउट हुए, क्या याद रखोगे? X1 X2 रीसेट आउट हुए। कहानी क्या है? X1 X2 बाय फर्स्ट बर्न है, यानी कि एक कपल है जो कि घर से बाहर चले गए रहने के लिए कहीं और, अपने होम टाउन से रिसेट आउट हुआ। X1 X2 रिसेट आउट हुआ, उसको दो बर्ता था, एक SOD एक SID। क्या था? एक SOD और SID। क्या याद कर लिए? 5 पिन याद हो गया। X1 X2 रिसेट आउट हुआ, इसको दो बेटा था, SOD SID। 5 पिन याद हो गया। X1 X2 रीसेट आउट हुआ, इसको दो बेटा था, SOD और SID। इनके इसके दोनों बेटे को किडनैपर लोग ट्रैक किया, किडनैपर लोग क्या किया? ट्रैक किया, किडनैपर लोग इनके दोनों बेटे को ट्रैप करके किडनैप कर लिया, ट्रैप कर लिया, ट्रैप मतलब जाल बिछाया और उसको पकड़ लिया, बच्चों को दबोच के चोरी करके भाग गया। ठीक है भाई, कोई बच्चा को चोरी करेगा तो कुछ तो उसका मकसद होगा, तो मकसद था पैसा लेना, ठीक है, रैंसम मनी लेना। तो हमने क्या याद किया? X1 X2 रीसेट आउट हुआ, उसको दो बेटा था, SOD SID, जिसको ट्रैप किया गया और ट्रैप करके उसको अपने कब्जे में लेने के बाद रैंसम मनी मांगा गया 7.5 लाख, 7.5 करोड़ RST। चलो लाखे में बात करो, 7.5 लाख। इतना पैसा X1 X2 के पास नहीं था, तो बोला कि ठीक है तुम 6.5 लाख दो, तो 6.5 लाख भी अरेंज नहीं कर पाया X1 X2। तो किडनैपर को फोन करेगा कि मेरे पास 5.5 लाख अरेंज हुआ है, मेरे बच्चों को लौटा दीजिए, पैसा ले जाइए। तो फिर क्या हुआ? फाइनल डन हुआ RST 5.5 पे।
अभी सिर्फ याद करने का तरीका बता रहे हैं, X1 X2 रिसेट आउट हुआ, इसका दो बेटा था SOD SID जिसको ट्रैप कर लिया गया और 7.5 लाख रुपया मांगा गया, उतना वो नहीं दे पाया तो 6.5 लाख का बागदान हुआ, लेकिन जमा उसके पास मात्र 5.5 लाख हुआ। तो RST 7.5, 6.5, 5.5 कितना पिन याद हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 9 पिन याद हो गया। बोलो ये 9 पिन याद हो गया। X1 X2 रिसेट आउट हुआ, दो बच्चा था SOD SID जिसको ट्रैप करके RST 7.5 माना गया, 6.5 माना गया और 5.5 माना गया। क्लियर है? इतना याद है? चलो अब देखेंगे X1 X2 के देखा देखी, इसका बगल का भी लोग इंटर इंटा था, वो घूमने निकल गया, 8 अड्डा घूमा इंटर इंटा दोनों मिलकर के घूमने निकल गया 8 अड्डा। कौन घूमने निकल गया? इंटर इंटा याद कर लो, कौन घूमने निकला? इंटर और इंटा, इंटा इंटा पे निगेटिव बार कर देना, इंटा पे निगेटिव लिख देना, इंटर इंटा पे एकदम सीधा एक लाइन खींच देना, निगेटिव होता है एक्टिव लो। इंटर इंटा घूमने निकला और 8 अड्डा घूमा, कितना घूमा? 8 अड्डा, अड्डा 0 से लेकर के अड्डा 7 तक, अड्डा 1 अड्डा 2 अड्डा 3 अड्डा 4 अड्डा 5 अड्डा 6 अड्डा 7, टोटल 8 अड्डा घूम लिया। इंटर इंटा AD 0 से AD 7 तक घुमा और वापस ग्राउंड हो गया, वापस ग्राउंड हो गया। तो ये 20 पिन याद हो जाएगा, ये 20 पिन याद होगा। क्या याद करोगे? X1 X2 रिसेट आउट हुआ, जिसको दो बेटा था SOD SID उसको किडनैपर ट्रैप करके रैंसम मांगा RST 7.5, फिर उतना नहीं हो पाया तो 6.5, फिर नहीं हो पाया तो 5.5 पे बाप डन हुआ। क्लियर है? उसके बाद उसका बच्चा तो उसको मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ? इंटर इंटा भी घूमने निकला 8 अड्डा, इंटर इंटा AD 0 से AD 7 तक 8 अड्डा घूम के ग्राउंड हो गया, थक के ग्राउंड हो गया। ग्राउंड को VSS भी बोलते हैं, ग्राउंड को VSS भी बोलते हैं, ग्राउंड को क्या बोलते हैं? VSS। 20 पिन याद हो गया, ये यहां से यहां तक 20 पिन याद आप कर लिए? बोलो हाँ या ना। 20 पिन सबको याद हुआ? X1 X2 रिसेट आउट हुआ, SOD SID दो बालक था इसका, जिसको किडनैपर ट्रैप करके RST 7.5, 6.5, 5.5 पे बात डन करके फिर बच्चा को जब ले आया तो इंटर इंटा भी घूमने AD 0 से AD 7 तक 8 अड्डा गया, उसके बाद ये वापस VSS यानी कि ग्राउंड हो गया। 20 पिन सबको याद हो गया। चलो अब हम बात करते हैं 21वां पिन से। देखो इंटा जो था, इंटा यहाँ पर जो लाइन से लिख देना, यहाँ पर एक लाइन लिख देना, यहाँ पर डॉट, तुम जानते हो नॉट गेट का मतलब बार या कंप्लीमेंट दोनों होता है, तो यहाँ पर कंप्लीमेंट दिखाया गया, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, सेम चीज है। तो इंटा का दोस्ती 29 नंबर रूम में रहने वाले स्नॉट से था। इंटा का दोस्ती किससे था जी? 29 नंबर रूम में रहने वाले स्नॉट से। फिर इंटा इतना घुमक्कड़ था कि ये इसके साथ भी 8 अड्डा घूम लिया, A8 से A15 तक, A8 से A15 तक 8 जगह घूमने गया, 8 एरिया घूम लिया। एरिया क्या है? 8 अलग अलग एरिया घूमा, A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 और A15, ये 8 एरिया घूम लिया। 29 पिन याद होगा? क्या देखे? इंटा का दोस्ती स्नॉट से था जो कि 29 नंबर रूम में रहता था। इंटा 29 नंबर रूम में रहने वाले स्नॉट से दोस्ती किए हुए था। इंटा उस दोस्त के साथ भी 8 एड्रेस पे घूमा, A8 से लेके A29 तक, हम बोले थे ना ऐसे लिखेंगे, A8 से A15 तक घूमा, A8 से A15 तक घूमा। अब देखो ये इंटा घूमते घूमते इतना लगाव हो गया स्नॉट से कि इंटा
इस नोट को अले बाबू मेले अले सोना करे लगाने रे, अले अले लिखी। फिर इस नोट उसको जब पढ़ा तो उसको लगा कि बड़ी अले अले होने लगा, यानी कि दाल में कुछ काला है, तो ये इस नोट मैच्योर होकर एस वन बन गया। इस नोट जब मैच्योर होकर एस वन बना तो इसका दोस्ती जो इससे था इंटर को भी पता चल गया। इंटर एस वन को धमकी दिया कि अपने अंदर बाहर के दिमाग में जो निगेटिविटी है ना उसको ठीक कर लो। तब देखो एम पे बार दे रहे हैं, आईओ एम बार, माइंड में जो निगेटिव बात है उसको अंदर बाहर सब जगह से निकाल दो। ठीक है, क्या धमकी दिया इंटर धमकी दिया एस वन को कि आईओ एम बार मतलब अपने दिमाग से सब चीज निकाल दो। एस वन भी इरिटेट होके कहा रेडी है, जो करना है कर लो, हम रेडी हैं, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो इंटर क्या किया, इसको जेल में डाल दिया, रिसेट इन किया। फिर कुछ दिन के बाद ये जेल से आउट हुआ, क्लॉक खुला, आउट हुआ, क्लॉक आउट हुआ। बाहर निकलते के बाद बदला लिया, कैसे एचएल दिए होल्ड करके इसको शूट कर दिया, एचएल दिए होल्ड करके इसको शूट कर दिया, सीसीआर पे रह गए, है ना, मार दिया तो सीसी सीसी करते रह गए। ठीक है, इस तरह से हम 40 पिन याद रखेंगे। 40 पिन को याद करने का और भी तरीका है, फिलहाल जो आज पढ़ा है उससे आप 40 पिन को आप लोग याद करके रखिएगा। सिर्फ पिन का नंबर आप याद रखिएगा, पिन कौन है, कैसे काम करता है, कल पूरा डिटेल से हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन पढ़ाएंगे। और जब पिन समझ गए तो आगे सब चीज समझ में आने लगेगा। कल का क्लास छूटा तो फिर दिक्कत होगा, तो कल आपका चलेगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम, कल पिन डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब आज के क्लास को यहीं पे रोक रहे हैं, कि थोड़ा डिजिटल कम्युनिकेशन भी लेट हो रहा है ना। आइए आप लोग सेकंड क्लास में आइए, कुछ देर डिजिटल कम्युनिकेशन भी पढ़िए, हम बेसिक से ही चलेंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन में भी एकदम जीरो लेवल से चलना है। चलिए आइए, किसी के मन में आप कोई बात है तो पूछो, अभी किसी के मन में कोई शक है तो आप बात करो हमसे। हाँ अभी किसी के मन में यहीं से कटेगा बुआ, हाँ यहीं से कटेगा, हाँ आ जाओ समझे बुआ, किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ लो, सस्पेंस में मत रहो। अगर किसी को कहीं लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता तो गलती से यहाँ पे मेरे पास आके फंसे हुए अपने आप को फील मत करो, है ना। मतलब अगर लगता है कि सर बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आके फंस के हम बहुत अच्छा करेंगे। फ्री हो, ईमानदारी से कहीं भी पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा अच्छा से पढ़ा हुआ चीज ही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। तुमको प्यार से पोट के बात किए कर लेंगे तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, उससे तुम्हारा नुकसान होगा। इसीलिए तुम्हारे हित में हम बोलते हैं, हम थोड़ा हार्ड जरूर हैं लेकिन पढ़ने के लिए समय खर्च करना बहुत जरूरी है, जीने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, खाना पड़ता है, कपड़ा खरीदना पड़ता है, उसी उस पैसा को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में समय खर्च करना बहुत जरूरी है। अगर आज तुम पढ़ाई में समय खर्च नहीं किए तो कल तुम्हारा जिंदगी रोने में खर्च हो जाएगा, याद रखना, यही वास्तविकता है हर इंसान का। मेहनत तो यहां हर कोई को करना है, चाहे तुम इंजीनियर बन के करो, चाहे भटकता हुआ तुम एक कोई वर्कर बनो, चाहे प्राइवेट का एक एम्प्लॉय बनो, मेहनत तो तुमको करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, जीने के लिए लड़ना होगा। तो सही समय पे सही लड़ाई क्यों ना करो कि जीत अगर हुआ तो जिंदगी से बढ़ जाए, और नहीं तो जिंदगी बिगड़ते में क्या किसी का कोई रखा है। अधिकतर लोग तो यही कर रहा है कि
भीड़ के तरफ दौड़ता है कि हम आराम करेंगे, सब ऐसे करता है, सब वैसे करता है। वास्तविक और कोर चीज जो है वो यही है कि अपने पढ़ाई को ठीक कीजिए, वो कोर बात यही है, बात पे ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे, अभी 10 क्लास में आइए। चलिए, जय हिंद सबको।